मेरा आने का मकसद ये था, कानून ने तो कार्रवाई कर दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ताकतवर लोग हैं, तो क्या आपसे ताकतवर है कोई? नहीं। मेरी लड़ाई ना उनके समाज से है ना उनसे, लड़ाई सिर्फ उस सोच से है जो उनके दिमाग में है कि अगर चमारो कह दिया होगी हम उनके गेहूं काटो, नहीं काटोगे तो फतवा जारी हो जाएगा, ऐसा फतवा जारी होगा कि सब लोग याद रखेंगे। दोबारा हिम्मत हो तो दोबारा कुछ कहकर देखो, ये बताओ मेरे होते हुए तुम्हें डर है किस चीज का? हैं? तुम्हारे और इनके अत्याचारियों के बीच में खड़ा हूं मैं, ऐसे पहले मैं मरूंगा तब तुम्हें कुछ होगा, और ये मेरा क्षेत्र है, मगर फिर भी मेरा परिवार यहाँ रहता है, मेरी बहनें माताएं रहती है, उनकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो इलाज हो जाएगा, और ऐसा इलाज की लोग याद रखेंगे, कोई किससे डरने की जरूरत नहीं है। कौटी में रहने वाले तमाम शोषित वंचित वर्ग के लोगों, आप परिवार हो मेरा और मैं आपका खून हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो बेफिक्र होगे, किससे डरने की जरूरत नहीं है। तो आप में से किसी कोई डर भय है, किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे, यही डेरा डाल देंगे, फिर यहां का प्रशासन यही घूमता फिरेगा। फिर मैं तो इसलिए आया हूं कि अपने परिवार से मिलकर उनको ये एहसास हो कि वो अकेले नहीं है, अगर किसी का दिमाग खराब हो जाएगा तो कानून व्यवस्था है ठीक करने के लिए, और बाकी चमार तो वैसे भी ग्रेट है, चमार कहां जो है किसे कमजोर रखते भाई, चमार ग्रेट है, चमार किसे कमजोर से नहीं है, मगर वो है कि बेफालतू में लड़ते नहीं किसी से, आओ पहले मैं इनसे बात कर लूंगा वाले से, है भाई थोड़ा थोड़ा जगह दे दो, फैल जाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा फैल जाओ, भाई साइड आवाज आ रही है मेरी, मंदिर का माइक कहाँ है, मंदिर का माइक भाई साहब, भाई आप छोटी सी जगह में लाइट नहीं है, उतरवा दीजिए मीडिया के लोगों को, बाबा जी कह रहे 24 घंटे लाइट आ रही है, बताओ 24 घंटे लाइट कहाँ है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, ये अगर कोई घर बैठ के किसी को धमकी दे तो आप लोग उसे डरोगे? ये आजाद भारत है और यहाँ संविधान है, अगर कोई किसी गरीब को सताने का काम करेगा तो कानून व्यवस्था है, और अगर पुलिस भी अपना काम नहीं करेगी तो भीम आर्मी के लोगों को अपना काम करवाना आता है, किसी के दबाव में नहीं चलेगा देश, जैसे उन्होंने मुनादी कराई थी, ये अपमान है समाज का कि कोई डोल पे नहीं जाएगा, ट्वेल पे नहीं जाएगा, समाधि पे जाएगा, वैसे तो हमें जरूरत नहीं किसी के यहाँ जाने की, लेकिन ये आजाद भारत में अगर कोई ऐसी मानसिकता रखता है तो वो गांव में भी और समाज में भी झगड़ा करवाने का प्रयास करवा रहा है, सरकार को इस लोगों पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ये मैंने आजादी से पहले तो सुना था, मुनादिया होती थी हमारे खिलाफ कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, ये उदाहरण भी है आपके सामने, जो चुनाव से पहले हमें बहुत हिंदू हिंदुत्व का ज्ञान बांटते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, उसका ये उदाहरण भी है कि जब मुनादी होती तो आपके लिए होती बताने के लिए कि भाई आप सिर्फ चुनावी हिंदू हो, चुनाव खत्म फिर आप चमार हो, फिर आप वाल्मीकि हो, फिर आप पाल हो, कश्यप हो, फिर आप प्रजापति हो, तो मैं सिर्फ आपको, मेरा आने का मकसद ये था, कानून ने तो कार्रवाई कर दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ताकतवर लोग हैं, तो क्या आपसे ताकतवर है कोई? नहीं। मेरी लड़ाई ना उनके समाज से है ना उनसे, लड़ाई सिर्फ उस सोच से है जो उनके दिमाग में है कि अगर चमारो कह दिया होगी हम उनके गेहूं काटो, नहीं काटोगे तो फतवा जारी हो जाएगा, ऐसा फतवा जारी होगा कि सब लोग याद रखेंगे, फतवा है संविधान, दोबारा हिम्मत हो तो दोबारा कुछ कहकर देखो, फिर उतनी धारा प्लस हो जाएंगी,
हम प्रयास करेंगे कि दोबारा ऐसा मौका ना तो आए ना करें। लेकिन मैं तो आपको कहने के लिए इधर से हट जाओ बहनों के सामने से, इधर से बटो, खाली करो इधर से। तुम मुझे जानती हो? कितनी बहनें जानती हो? मुझे हाथ उठाओ जरा पहले। ये बताओ मेरे होते हुए तुम्हें डर है किस चीज का? है तुम्हारे और इनके अत्याचारियों के बीच में खड़ा हुआ मैं ऐसे? पहले मैं भरूंगा तब तुम्हें कुछ होगा। और ये मेरा क्षेत्र है, वैसे तो पूरा देश ही हमारा है, लेकिन ये क्षेत्र हमारा है। और ये तो मुजफ्फरनगर तो रिश्तेदारी है मेरी, ये सब लोग जानते हैं मुजफ्फरनगर के। मगर फिर भी मेरा परिवार यहाँ रहता है, मेरी बहने माता रहती है, उनकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो इलाज हो जाएगा। और ऐसा इलाज की लोग याद रखेंगे, कोई किससे डरने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चलाते हो, किससे दबने की जरूरत नहीं है। और तो भीम आर्मी के लोग है यहाँ, हाल तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन तो उनके समाज के लोग भी सोचना चाहिए। अब भाई अगर आपको इतना ही खेती करने का शौक है तो अपने आप काटने लग जाओ। जब आपको खेती करने का शौक है तो अपने आप जाओ धूप में काट के देखो, आपको एहसास होगा। हम मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। तो ये अगर किसी गलत दिमाग में गलत फहमी तो दूर करे। आपसे मेरा निवेदन है कि डरना नहीं है किससे। हमारे बीच में इतने मजबूत मजबूत नौजवान खड़े हैं, हमें डरना नहीं है। हम संविधान को मानना, किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन मेहनत मजदूरी तो करेंगे, लेकिन पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। क्या आज भी लोगों को यही लगता है कि हम वही करने, वो खेत में मजदूरी करने लायक है? नहीं भाई, नहीं। पढ़ लिख का अधिकार मिला नहीं मिला बाबा साहब दिया? तो जिनको ऐसी सोच है उनके लिए कानून है। लेकिन मैं आपको बस इतना बताने के लिए, आज पॉवर्टी में रहने वाले तमाम शोषित वंचित वर्ग के लोगों, आप परिवार हो मेरा और मैं आपका खून हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बेफिक्र होगे, किसी डरने की जरूरत नहीं है। रही बात, कोई ऐसा मामला नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, जिसमें कभी आपको निराश किया गया हो। है कोई मुजफ्फरनगर में ऐसा मामला जिसमें भीम आर्मी के लोग नाड़े हो? हमारी लड़ाई फिर, क्योंकि हम तो पढ़ाने काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई ये भी पढ़ाई करानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं उनको भी तथागत सद्बुद्धि दें कि वो याद करें कि ये गुलाम भारत नहीं है, 1950 से पहले वाला संविधान है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए है। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हूँ, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय, अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए, मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आगे खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में जैसा हमारे यहाँ मिलता है, क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना वो खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है? किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे, यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है ना कि व्यक्ति से, और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान है और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो एक, ये अपील बहुत जरूरी है, तमाम तरह की बुराइयों से बचो, नशा चाहे वो किसी भी तरह का, कुरीतियों से इनसे बचो, अंधविश्वास पाखंडवाद से बचो, और एक बन के रहो गांव में, ठीक है? चंद मुट्ठी भर लोग इतने बड़े समाज को नहीं डरा सकते हैं। हम डरे इसलिए हैं उनके हौसले से बड़े, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। तो आप लोग सामाजिक रूप से तो एकजुट रहा करो, ठीक है? और कोई बात कोई भी पूरे गांव में से कोई बहन कोई भाई जिसको किसी को कोई बात हो बता देना। और ये कहाँ है वो?
क्या है बताओ, मैं बताओ कोई बात नहीं, ऐसे करते हो आगे ना हो भाई, थोड़ा पीछे रहो भाई, ठीक है। नहीं मैं तो आप में से ही एक हूँ। देखो मैं बताता हूँ, बाकी को तो भैया भैया बात कर भाई, एक मिनट बना लेने दो भाई, बना लेने दो, चाकू से खत्म कर दे कोई, उनको शायद उन पे जानकारी। इस तरह से मुनादी करना किसी भी समाज के खिलाफ ही अपराध। हम प्रयास करेंगे कि हम प्रशासन से बात करेंगे कि उन्होंने डर दबाव में काम किया। हम काना का प्रयास गरीब आदमी की हम तो डर के सब की करता है, जाके अगर किसी को गाली दोगे तो उनका दिमाग अगर मैं इनसे कोई बात कहूँ और ये आपके घर पे जाके वो काम कर यार भैया, और वो अपराध है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। मैं समझता हूँ उनकी गलती नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ ना उनके ऊपर उन्होंने कहा होगा, उनके उन्होंने सोचा भाई इसकी बात के बाद तो झगड़ा हो जाएगा, वो चले गए। हम प्रयास करेंगे, हम जाके नुकसान की बात करेंगे, उनको छोड़वाएंगे। आप माओ कैसी बात कर रहे हो, आप आप चिंता मत करो, प्रधान जी कहाँ हैं गांव वाले, तुम्हें उससे तो कोई बनी है प्रधान जी, नहीं प्रधान प्रधान जी बनाने भाई, प्रधान जी हम सब हम दोनों अरे भाई रुक जाओ, इन गांव के प्रधानों को तो आकर रहना दो, तुम तो यार ये काम बिल्कुल ऐसा हो रहा है, सब लोग उनके प्रयास।